अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूवर्स, जानते रहो के साथ मैं हूं आपका होस्ट जैन अली। आज हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल से आगे जो लकी वन मॉल है, क्रिकेट ग्राउंड भी बना हुआ है, वहां से एक नए नाले की तामीरात का आगाज कर दिया गया है और इसका काम जो है वो तब्बा हर्ट हॉस्पिटल तक जो है वो जा रहा है और यही सीधा रोड जो है वो वाटर पंप पे भी जाता है और काफी तेजी से यहाँ पर काम जारी है। तो आज हम आपको इसका विजिट करवाएंगे, तो जानते रहो के साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स, ये लकी वन के सामने जो क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है वहाँ से ये देखें ये शुरू हो रहा है। ये सीवरेज का एक नया निज़ाम बनाया जा रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तक इसकी भराई भी हो चुकी है और ये आगे मजदूर काम कर रहे हैं। शटरिंग आपको नज़र आ रही होगी और ये काफ़ी जो है वो आगे तक इसका काम जारी है। ये और बारिशों वगैरह में जो है यहाँ पर काफ़ी मसले मसाइल थे, इस रोड के ऊपर काफ़ी परेशानी थी। पीछे आपको मकानात भी बने हुए नज़र आ रहे होंगे, तो लोग जो है वो काफ़ी जो है बारिश के सीज़न में काफ़ी परेशान होते थे। और स्पेशली जो मेन मसला जो इस रोड के ऊपर था, हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इतना पानी होता था बारिश का कि कोई एम्बुलेंस, कोई मरीज़ जो है वहाँ पर जा नहीं सकता था। काफ़ी परेशानी का सामना था, ख़ास करके जो मरीज़ हजरात हैं उनके लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना था। तो बिल आखिर जो है वो एक नए सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है, ये सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। ये देखें यहाँ तक इसकी खुदाई आ चुकी है। पीछे हमने दिखाया था कि जाल बना हुआ था, पीछे तक उन्होंने जाल बनाया है, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इसकी खुदाई जो है वो यहाँ तक अभी स्टिल जारी है और ये जाल जो है वो लकी वन के वहाँ से जो है बनता हुआ आगे तक आ रहा है। तो ये जाल कंप्लीट होगा तो भराई होगी। ये हम पहुँच चुके हैं। जी व्यूवर्स, हम पहुँच चुके हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है मेरे लेफ्ट हैंड पर और ये बैक हैंड के ऊपर आपको चुरंगी नज़र आ रही होगी। ये सीधा जो रोड है वो वाटर पम्प पर जा रहा है और यहाँ पर जो है वो तामीरात का काम काफी जोरों शोर से जारी है। बारिशों में जो है वो इस रोड का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता था। यहाँ पर रिसेंटली लास्ट टाइम की बारिशों में ये देखा गया है कि पेशेंट जो यहाँ पर आए हैं काफी उनको परेशानी का सामना हुआ है और मरीज अंदर आ नहीं सकता था, इतना पानी था। एम्बुलेंस को बड़े मसले मसाइल यहाँ पर हुए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस नाले की तामीरात का काम शुरू किया गया है ताकि मरीजों को और कराची के रिहायशियों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलतें फराहम की जाए। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।